नंबर 2022 समय हो गया है 08:37 AM और PM। अब एक जो है इनकी बीजेपी की पता नहीं कौन है मेरे पीछे पड़ी हुई है, कह रही आप वीडियो में तारीख बताते हो, हमने कहा तारीख बताया करो। मैं कहा जब नहीं बताता था तो तुम्हें परेशानी, अब बताने लगा हो तो कह रहे पैसे दे। भाई किस बात के पैसे, बीजेपी से मेरे 174 लाख करोड़ कौन देगा, तू देगी तेरा बाप देगा, पहले मेरे पैसे की बात कर। किसी ने भी यहाँ बीजेपी वाले ने अगर सोर्स भेजा या हॉटलाइन हैक करी मेरे 174 लाख करोड़ रुपए देने की बात कर लेनी तो मार बहुत पड़ने वाली है। मुझे मतलब नहीं है, आई नीड माय मनी। अपने 2-2 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए के लिए खा मकई मेरे 174 लाख करोड़ कौन देगा, तू देगी तेरा बाप देगा ये बता यार। हद पैसे की बात करो तो मैं नहीं करूं। मैंने कहा तू मुझे एडवाइस दे, मैंने कहा मैं अपनी वीडियो तारीख से बनाऊं या बिना तारीख के बनाऊं, फिर सीधी सी बात है, तू सरदार हो, मुसलमान हो, ज्यूइश हो, हिंदू हो, कोई हो, बीजेपी से है 174 लाख करोड़ दे पहले। पानी के साथ पानी कर रहा हूँ, ब्याज के साथ पैसा तो मैं लेकर आऊँगा। तुम आराम से नए नए CM DM, आज पाकिस्तान नैब की जो है ना BAE सिस्टम वाले वो माचो देंगे ना, बहन के लौड़े नैब वालों ने धमकी दे दी मेरे को, नैब की टीम ने ना ना वो इंडियन आर्मी को भी नहीं पूछेंगे। हाँ रैंसम मांग रहे मेरे से, करे हाँ इनका BAE सिस्टम की ओनरशिप उन्होंने फाइल पता है किसकी टेबल पे दे दी BAE वालों ने, एल्बिट को इनकी वो बात छूते कि भाई साहब एल्बिट वाले मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये चाहे तादाद में कितने ही हो नैब खत्म है पाकिस्तान में, तुम्हें पता नहीं हो कि किस मूड में है इस बार। उन्होंने बकायदा फाइल पर नैब लिखा हुआ है और एल्बिट की टेबल पे रख दी, देख तो सही। हाँ ये ऊपर एक लड़की रह रही है भुवनेश्वर राणा के मकान में, शायद फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे, उसके मोबाइल फोन से नैब वाले बात कर रहे थे हाइपरसोनिक साउंड में, एल्बिट सिस्टम के लिए इंफॉर्मेशन है मेरे से कह रही कहती हाँ कहते हुए हम हमें पैसा चाहिए। मैं कौन है तू कहाँ से, करे पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान से कौन, करे SPG डिपार्टमेंट है, SPG तो होता ही नहीं वहाँ, कौन तो नैब से, नैब का कौन सा पैसा बनता है, देख ले फिर। फिर बात होती रही तो फिर अचानक ही जो है जब मैं लिखने लगा ना तब बोल रहे, मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं, ब्रेन फीड थी उसकी, क्या कहते BAE की मैंने लिख दिया BAE को मैसेज भेज दिया मारेंगे दोनों ही बेटा, हितेश रेवन वाले भी और BAE वाले भी मारेंगे जिसे कहते हैं बेटा मरवाई क्यों
रैंसम चाहिए, बदमाश हो तुम, हो कितने तुम संख्या में? अब तुमने एल्बर्ट से वॉर वॉर छेड़ दी तुमने, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, एल्बर्ट ना पाकिस्तान से फुल स्केल वॉर लड़ेगा, देख लेना। ना पाकिस्तान के माचो होते ना एल्बर्ट सिस्टम, कहता मैं पाकिस्तान अच्छा जी, पता है अब तक सारे रैंसम्स की एसपीजी बैठाना, मतलब सोर्स बैठाने का काम कौन कर रहा था? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, नैब। हाँ कुछ नहीं, फोर्स है, कमांडो फोर्स है, नैब का ही तो बंदा है जो ज़्यादा चौड़ा हो रहा था। दौड़ बेटा दौड़ दौड़ भाग, एल्बर्ट फुल स्केल वॉर लड़ेगा, देख लेना पाकिस्तान से ना तुम्हारी बात छूते ना, वो इंडियन आर्मी को फोन करके कहेंगे अपने बॉर्डर सील कर लो, जब बैठ गई छूत इनकी किसी भी समय ना एल्बर्ट खोल देगा फायर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो जानता है ना नैब वाले वेपनाइज्ड हैं, नैब के पास ही तो वॉर ऑर्डर्स है। दौड़ लगाओ तुम, कुछ कर लो, कुछ कर लो तुम, मेरे से रैंसम मांग रहे। जय माता स्टोर ने जो पैसे मांगे थे ना $100 नैब के कहने पे, ये जो सामने से भुवनेश्वर राणा की वाइफ ने 800 करोड़, और ये बीजेपी के थ्रू काम जो चल रहा था ना, जरताज गुल, ये सब इन्वॉल्व है, मरियम नवाज वगैरह सब इन्वॉल्व है, ध्रुव एरोनॉटिकल्स, वो मेहरौली थाने में जो मरियम नवाज की सिक्योरिटी के नाम पे लोग आए थे, और राबी पीरजादा के कुछ लोग यहाँ रह रहे। कौन कह रहा राबी पीरजादा मर गई है, चूतिया समझा है, मैंने देखा नहीं उसको यहाँ पे, स्कूटी पे आई थी, बिल्कुल है रावी पीसरा जिंदा है, वीडियो चल रही है सारी उसकी, यही रह रही है वो, मैदान घड़ी में ही तो रह रही है, श्याणी बन रही है, उसी के असेट तो माच दुआ रही है अपनी, बिल्कुल है इंडिया आ रखी है वो, बिल्कुल आ रखी है। मैदान घड़ी वाले बंदे उठा लो, तोड़ो कांड, अपने आप बताएंगे। मैं बताता हूँ कहाँ रह रही है, मैदान घड़ी में ऑटो स्टैंड है ना, उस ऑटो स्टैंड तक मत जाओ, इधर से जो फतेह सिंह चौक है ना, उससे अंदाजन 30 कदम या 50 कदम आगे जाओ, उल्टे हाथ पे सफ़ेद मकान है, रावी पीरजादा का है, शर्त लगा लो, जाट जानते हैं, आज से रह रही है वो, वही तो यहाँ ज़्यादा दिमाग लगा रही थी। हाँ हाँ और देखना क्या इनकी भीत उतारेगा तबीयत से। एल्बर्ट मैंने तो उसी दिन कह दिया था, मैं देखा यार क्या बात है, कह रहे 10 दिन में वर्ल्ड वॉर खत्म कर देंगे हम, बैठ के लौड़े हैं क्या हमारे आगे अब फुल मूड में है वो, देखना वो पैरा ट्रूपर्स लैंड कराएंगे वो तुम्हारी माँ चुत गई।